गोरखपुर में जल्द ही लाइट मेट्रो का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गोरखपुर में लाइट मेट्रो का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए दो रूट बनाया गया है, जिसमें पहले रूट पर कार्य शुरू होगा। जो भी तैयारी है पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जीडीए द्वारा बनाए गए डीपीआर को शासन व केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अवगत करवा दिया गया है। हमारा प्रयास है कि जल्द ही मेट्रो का कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने भी कार्य को 6 महीने में शुरू करने के लिए आदेश दिया है। उम्मीद है कि कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, उसके बाद जो कंसल्टेंट आएगा डीपीआर बनाएगा। अच्छा, कंसल्टेंट भी क्यूसी में वो तो सर आरक्षित फ्लोर हो चुका है, वो मुझे पता नहीं। देखिए, जो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से गोरखपुर में मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उसको लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसमें दो चरणों में फिलहाल होना है, दो रूट्स हैं इसके, और प्रथम रूट पे इस पर कार्य प्रारंभ होना है। तो इसके लिए जो भी तैयारियाँ होती हैं वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीपीआर है, ये डीपीआर शासन के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उनको अवगत भी करा दिया गया है कि सारा अप्रूवल मिल गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर जो है कार्य शुरू होने की संभावना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 6 महीने का टारगेट दिया है इस कार्य को करने के लिए, और उम्मीद है कि हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे।